मैं अजय प्रताप सिन्हा रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक्स डीन मुंगेर यूनिवर्सिटी सरल भाषा में आपसे मैं अक्सर बातें करता हूं और वीडियो बनाते रहता हूं। आइए आज समझते हैं कहानी सात समुंदर पार की द स्टोरी ऑफ सेवन सीज इन रिलेशन टू इंडिया हम बचपन से सात समुंदर पार की बातें सुनते आ रहे हैं कभी कहावतों में तो कभी बच्चों के गानों में सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से एक अच्छी सी गुड़िया लाना गुड़िया चाहे ना लाना पापा जल्दी आ जाना पापा जल्दी आ जाना इत्यादि इत्यादि यह सात समुद्र पार देश भारत के संदर्भ में इंग्लैंड है जिसका उन्नीस ईस्वी के पूर्व लगभग 200 वर्षों तक भारत पर प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव रहा तो क्या पलासी युद्ध बैटल ऑफ पलासीतावन ईस्वी के पूर्व अंग्रेज भी सात समुद्र पार करके भारत आए थे नहीं ऐसा नहीं था वे केवल चार समुद्र पार किए थे इंग्लैंड से भारत की सामुद्रिक यात्रा में इंग्लिश चैनल अटलांटिक सागर ओशन, केप गुड हो इंडियन ओशन अरब सी स्थित रास्ते से होकर मुंबई पहुंचते थे या बंगाल की खाड़ी होकर कोलकाता पहुंचते थे यानी अटलांटिक सी इंग्लिश चैनल इंडियन ओशन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल चार रंग होकर या जल की चार रंग होकर यह या यात्रा गुजरती थी तो कालांतर में सात समुद्र पार का नामांकरण कैसे और क्यों प्रसिद्ध हुआ आइए इसे समझते हैं। इसके पीछे शुद्ध शक्ति संतुलन सिद्धांत और आपनिवेशिक, के प्रारंभिक खिलाड़ियों इंग्लैंड और फ्रांस का रूस के विरुद्ध राजनीतिक आर्थिक दबदबे की कथा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूर्वी व्यापार में 9000 किलोमीटर की दूरी कम करने के लिए भूमध्य भु, सागर यानी मेट्रेनियन सी और रेड सी को जोड़ने की योजना बनाए और 10 वर्षों 1859 टू 1869 में स्वेज कैनाल बनकर तैयार हुआ जो पहले एक जमीन का टुकड़ा था और जिसकी लंबाई 193 किलोमीटर है स्वेज कैनाल बन जाने से मेडिटेरेनियन सी और रेड सी आपस में जुड़ गया यानी इंग्लैंड से मुंबई पहुंचने या कोलकाता पहुंचने में जो सेवन सीज जो मिल मिलता था वो है इंग्लिश चैनल एटलांटिक सी मेट्रेनियन सी सुज कैनाल रेड सी इंडियन ओशन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इस तरह एक सात समुंदर पार की कहानी स्टोरी ऑफ सेवन सीज चरितार्थ हुआ सुज कैनाल से आवागमन होने लगा और इसका विश्वव्यापी राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव हुआ और हो रहा है हवाई उद्योग एविएशन इंडस्ट्री के विकास के बावजूद सुवेज कैनाल जल मार्ग से लगभग बारह प्रतिशत व्यापार ट्रेड आज भी हो रहा है सुज कैनाल और भारत को तो अगर एक केस स्टडी के रूप में अध्ययन किया जाए तो हम भारत के एक ऐतिहासिक घटना को एक नए दृष्टिकोण से आकलन कर सकते हैं अठारह ईस्वी में भारत में एक घटना घटी जिसे यहां के स्कूल कॉलेजों में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिपाही म्यूपनी वॉर ऑफ ब्लैक एंड वाइट के नाम से जानते हैं लेकिन हम ये ने यह कभी कोशिश नहीं किया कि इंग्लैंड जिसकी आबादी मात्र दो करोड़ थी जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था वो क्यों अपने सबसे कीमती हीरे भारत या सोने की चिड़िया भारत को नाराज होने देगा वह क्यों उस घटना को अंजाम अंजाम देगा चरबी लगा हुआ कारतूस एनफील्ड राइफल में जिसका इस्तेमाल होता था वह भारत भेजेगा जिससे कि जिसके एक अफवाह से हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही विद्रोह को विद्रोह का श्री गणेश कर दिए हम यह कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि सुज कैनाल नहर के खुदाई का प्लानिंग 1850 के दशक में ही शुरू हो गया था और इंग्लैंड और फ्रांस इस नहर का कार्यान्वयन नहर के खुदाई का कार्यान्वयन रूस से बचकर करना चाहता था क्यों क्योंकि उसे भय था कि अगर रूस जो अभी तक अभी तक काला सागर तक नियंत्रित है भूमध्य व मेट्रेनियन सी में आ जाएगा और इस भविष्य के लाभ यानी 9000 किलोमीटर दूरी को कम करने का सपना में कहीं बाधक ना बन जाए इसी कालखंड में क्रीमिया युद्ध हो जाता है और जो रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस ऑटोमन साम्राज्य की तरफ चला गया क्योंकि उसे अपने व भविष्य को लाभ को सुरक्षित रखना चाहता था अब बात जो भी हो इंग्लैंड के थिंक टैंक में जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी कि जिससे कि महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान क्रीमिया युद्ध में रहा और भारत में आ गया एनफील्ड राइफल और चर्बी लगा हुआ कारतूस अगर यह इस बात में सच्चाई है लेकिन यह सब अब इतिहास बन गया है वो घटना भी इतिहास बन गया है अठारह सौ का और सुवेज नहर से आवागमन की कहानी पहले की तरह जारी है यानी भारत से इंग्लैंड और इंग्लैंड से भारत अगर आज कोई समुद्री मार्ग से जाए तो उसे पुनः इस सात रंग के पानी से गुजरना होगा और ये सात समुद्र देश की कहानी आगे भी चलती रहेगी धन्यवाद